कावे घर का काम धाम छोड़कर बड़ी पूछताछ कर रही हो, कौनो जासूसी कंपनी में शामिल हो गई हो का? और तू कावे यहाँ पर खड़े खड़े चूड़ी के मरीज की तरह कांप रहा है, चल कट ले यहाँ से, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। हे मिस करमचंद, पैरों में पहिए बांधकर पूरे घर में घूमती फिर रही हो, हैं? जरा अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। क्या करना सीखो? कंट्रोल। वो कहा है हमरे हवेली मर है ना, नौकरन के हाथ पैर ज्यादा चलते हैं काम के लिए, जबान नाही है। तो मिस इंडिया जरा किचनवा में जाओ और हमरे लिए एक ठो मस्त चौचक अदरक वाली चाय बनाओ। अदरक कूटकर। भैया सब ठीक है ना? दवाई दे दिए ना वो आपको? हैं? हाँ आराम कीजिए आप। दादा की हवेली। आकाश मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक अपनी बिट्टू की खुशियां उन्हें वापस ना लौटा दूं। ए, वापस दे। हे छोटे उस्ताद, अगर फिर से कभी सुनने का मन करे तो कभी भी मांग सकते हो। ओके थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है। हवेली तो काफी शानदार है, किसी हेरिटेज होटल प्रॉपर्टी की तरह। तुम उससे दूर यहां रह रही हो आजकल। तुम जी कहिए। अब सॉरी आई, मेरा नाम आकाश, मुझे श्री रामधारी जी से मिलना है। अब बैठ जाइए, हम बुला दें। सुनो, बड़ी मालकिन ने कहा है चटाई उठा लो और मिर्च अंदर रख दो, छत पर जो उपली है ना वो लेके आने के लिए। लाखन भैया के लिए पानी गर्म करना है। पर अभी अभी तो उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। हाँ वो तो हम बनवा देंगे, आप बाहर से उप ले ले। आप We'll be right back.
कौन हो? सॉरी। हाँ सॉरी सॉरी है। कौन हो बे? और सीधे मुंडी उठाए अंदर का घुसे आ रहे हो? हाँ इनका यहाँ पर दशहरा का मेला लगा हुआ है कि रावण दहन देखने के लिए आ गए? No, actually मैं हवेली देख रहा था। खरीदनी है? कि फिर पर्यटक हो, टूरिस्ट, कि यहाँ पर ताजमहल है और टिकट लेके सीधा अंदर चले आए देखने के लिए? अरे कौन हो, कहाँ से आयो, किस लिए आयो, किसको मिला वो बताओ फटाफट। एक्चुअली लखा, शहर से आए, दाता से मिले, आकाश जी नाम है इनका। आकाश जी? और ये पृथ्वी जी। आकाश जी, पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, आकाश भी। ए! नौकरन को पूरा बायोडेटा दे रखे हो और हमको बताने की बारी आई तो जबन पेट में गिर गए क्या तुम्हारे? रुको, भैया को बुलाकर आते हैं। ए हरिया, साहब के लिए चाय। जी भाई। आप बैठिए, दाता भी आएंगे। योंसो से हम आते। पाई लगी भैया। खुश हो? ओ, शहर से कोनो आदमी आया आपको मिलने के लिए। पर भैया ये पृथ्वी पागल है का है? बैल बुद्धि है का ये? अरे वो आदमी को, बाहर वाले आदमी को गमले का गुलाब बनाए सीधा आंगन में लेकर आकर सजा दिया। बोलो तो तुम जाकर बाहर बिठा दो उसे। भैया पर वो पृथ्वी, लाखन बच्चे नहीं हो जो बात बात पर पृथ्वी की शिकायत लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते। जाओ तुम, हम आते हैं अभी। इस घर के लोग हर चीज में इतना सारा गोबर यूज करते हैं, तभी तो इन सबके दिमाग में भी गोबर भरा हुआ है। हेलो, ये लो, अब जैसे ये चाय बनाई है वैसे पानी भी उबाल दो। अरे लेकिन दाता ठाकुर जी को पहले चाय देनी है। नहीं, ये चाय मैं दे दूंगी, आप पहले पानी गर्म कीजिए, उसके बाद अपने छोटे ठाकुर के लिए चाय बना देना। ओके, डर से तो इस घर के लोग अपना मुंह नहीं खोलते, तो सीधे सीधे आपसे ही पूछ लेती हूं, इस कमरे में बंद आदमी कौन है? तुम्हें इस घर में काम करने के लिए रखा गया है, सवाल करने के लिए नहीं। जब बात मेरी बीती जिंदगी, मेरे बचपन से जुड़ी हुई हो तो मुझे सवाल करने का पूरा हक है। नियो, वो नाम जो बचपन में बड़े प्यार से आपने रखा था, उस नाम के बारे में उन्हें कैसे पता? आपकी चुप्पी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। हमारे आगे लोगों की जबान लड़खड़ाती जरूर है, लेकिन इस तरह की बहकी बहकी बातें कोई नहीं करता हमसे। हम नहीं जानते तुम क्या कहना चाहती। फिलहाल शहर से हमसे कोई मिलने आया है और हम चाहते हैं कि उनके जलपान का बंदोबस्त तुम ही करो। मैं तो बस हमारी बातें सुनकर समझने की आदत डाल लो। एक बार जो हमने कह दिया उसे रिपीट करना हमारी आदत नहीं।
ऊपर जाके देखो उनकी तबीयत कैसी है। और हाँ, एक नौकर 24 घंटे के लिए वहां रहना चाहिए। हो जाएगा भैया। अब अरे भैया वो शहर से पापा से अलग हुई हूँ, उसे हर साल करवा चौथ का व्रत रखती हूँ उनके लिए, जो कि पापा मेरी जिंदगी से कभी गए ही नहीं, हमेशा मेरे साथ थे। कहिए, क्या काम है? लेकिन तुम हो कौन? जी मेरा नाम आकाश, दिल्ली से। दिल्ली से? वो गलती से मेरा पैर अटक गया था। अच्छा, तुम्हारी सांस से अटका देगा? लखन, अरे भैया एक वो काम ठीक से नहीं होता ही लौंडिया से। अरे तुम्हारी आंखों में काऊ तीतर बटेर नाच रहे हैं कि तुमको दिखा नहीं, चाय यहां देने के बदले वहां गिरा दी। लखन, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। Excuse me. I'll just change it. Come back. Yeah, sure. ये बजाएंगे घंटा। अरे ये पंचायत वालों ने ये लौंडिया को हमारे घर की नौकरानी बनाकर हमारे सर मार दिया है। बंदरिया के हाथ में तलवार दे दी है। जब देखो ना हमारी नाक कटाई पे तुली है। मेरा ये सब क्या है? क्या ड्रामा है सब? ये रामधारी जी तुम्हारे डैड है ना? सासू मॉम के हस्बैंड, ये वही है ना? Listen to me. प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो। तुम ना मुझे रात को मंदिर में मिलो। यहाँ से बाहर निकलोगे ना तो लेफ्ट ले लेना, वहाँ कितना सेकंड लेन में एक मंदिर है। प्लीज मैं तुम्हें सब कुछ तब एक्सप्लेन करूंगी, ओके? बट अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। अरे मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। देखो इससे पहले कि कोई आ जाए, चले जाओ यहाँ से प्लीज। गलती से भी किसी से मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। ओके, I'll explain everything to you later. प्लीज चुप ना करे। प्लीज गो। अरे ये लड़का कहाँ गया आकाश? उन्हें कोई फोन आया था, फोन पर बात करते करते कहीं चले गए। चले गए बिना कुछ कहे। ये लो, संभाल कर लेकर जाना। भगवान जी की मूर्ति है ये, यदि खंडित हो गई तो नदी में प्रवाहित करनी होगी। हमने इनका विदाई पूजन कर दिया है, जाकर पंडित जी को दे आओ। जाओ। और हाँ, शाम हो गई है, तुरंत वापस लौटना। घर पर गेहूं निकाल के रखा है, उसे धोकर पीसना भी है, समझ गए? जाओ।
तुम मंदिर जा रहे हो ना? हाँ। एक काम करो, ये मूर्ति मुझे दे दो, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, तो पंडित जी को ये मूर्ति मैं दे दूंगी, तुम घर का काम कर लो, ओके? तुम्हारी आंखों में काऊ तीतर बटेर नाच रहे है कि तुमको दिखा नहीं, चाय यहां देने के बदले वहां गिरा दी। कि पंचायत वालों ने ही लौंडिया को हमारे घर की नौकरानी बनाकर हमारे सर मर दिया। क्या बात है? एक तो मैं तुमसे इतने दिनों बात कर रहा हूँ और ऊपर से तुम रो रही हो, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। क्यों? चुप करो, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें और बिट्टू को यहाँ कितना मिस कर रही थी। अब कैसी तबीयत है उनकी? ये रोना बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठो। बैठो। मिस कर रही थी? क्या खाक मिस कर रही थी? ना कोई फोन, ना मैसेज, और तुम्हारा फोन मिला हो तो मिलता ही नहीं है। हाँ, सासू मॉम इज फाइन, पहले से काफी बेटर है, लेकिन तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। एक्चुअली तुम यहां कर क्या रही हो यार? वैसे तुम यहां पहुंचे कैसे? टॉपिक चेंज मत करो, तुम यहां अपने डैड को लेने आई थी ना, फिर क्या कर रही हो? नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन रोना बंद करो। अब मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ने वाला। मॉम भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मीरा, आई थिंक हमें यहां से अब चलना चाहिए। आकाश, तुम समझ नहीं रहे हो, इस सबकी एक वजह है। गांव वाले कहते हैं 20 साल पहले बिट्टू ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पूरे गांव में हंगामा मच गया। जानना है कि वो राज क्या है। तुम जानते हो इस गांव के लोग बिट्टू से नफरत करते हैं, उन्हें मरा हुआ मानते हैं। मुझे वापस लौटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आका, पर मुझे अपने बिट्टू पर पूरा भरोसा है। उनके सर पर लगा हुआ ये बदनामी का दाग मिटाने से पहले मैं यहां से नहीं जाऊंगा।